नहीं देखा। अच्छी होती है पास तू जो रहे राह। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए एक कमाल का ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो बनाना चाहते हैं जो आपने आगे देखा और यहाँ भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पर वायरल हो रहा था दोस्तों, काफ़ी लोग इस पर वीडियो बना रहे थे, अपना फोटोज लगा रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को बताया जाए कि कैसे आप इस वीडियो को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको इसका फुल ट्यूटोरियल दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम गवाए। तो गाइस आपको क्या क्या चाहिए इस वीडियो बनाने के लिए, तो आपको सिंपली इस वीडियो बनाने के लिए आपको ये वाला वीडियो चाहिए जो लेडीज़ वाला वीडियो है दोस्तों। तो आपको इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बड़ी आसानी से, तो आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मस्ट इंपॉर्टेंट काइंड मास्टर एप्लीकेशन जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे वीडियोज काइंड मास्टर से ही क्रिएट करता हूं दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। और दोस्तों आप सभी को एक बार बता दूं कि आपको एक फ़ोटो भी चाहिए अपना, ठीक है, एक फ़ोटो और काइन मास्टर एप्लीकेशन और ये वीडियो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखा होगा दोस्तों, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था इससे रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, तो आप उनमें डाउनलोड करते हैं या फिर इसका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, पहला लिंक वही है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब कर लें, करने वाले तो आपको क्या करना है कि जब ये काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करेंगे आप, तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखा, तो मैंने पहले से इसे ओपन कर लिया था, तो आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार से दिखने के बाद दोस्तों आपके यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों आपको यहाँ पर पहला मिलेगा यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए, दूसरा है टिकटॉक वगैरह के लिए या इंस्टाग्राम वगैरह के लिए। तो हम टिकटॉक के लिए बनाएंगे, तो टिकटॉक के लिए ये काफ़ी है बीच वाला, तो आप जब खोलेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पहले मीडियम जाना होगा। मीडियम जाना होगा तो आपको पहले एक बैकग्राउंड, जो ये बैकग्राउंड दिखा रहा है यहाँ पर, कोई सा भी बैकग्राउंड ब्लैक कलर का ले लेंगे, तो इसे हम यहाँ से टच करके बढ़ा लेते हैं। देख सकते हैं बढ़ गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको लेयर में जाना होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर लेयर है, लेयर पर क्लिक करते दोस्तों आपको यहाँ पर मीडिया दिख जाएगा, दूसरा मीडिया। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों जहाँ भी अपना लेडीज वाला जो वीडियो है दोस्तों मैंने बताया था डाउनलोड करेंगे, तो आपको उस वाले वीडियो को यहाँ पर लाना है। ठीक है, जहाँ भी अपना वीडियो डाउनलोड किए होंगे या फिर सेव किए होंगे तो आप वहाँ से ले लेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किया है, कुछ तो नीचे इस प्रकार से यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन करने के लिए देख सकते हैं यहाँ हाफ स्क्रीन है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इस प्रकार का आइकन दिख जाए, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों आप यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, ये फुल वाला है, तो देख सकते हैं फुल हो गया। फुल होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले होगा। पहले मैं वॉल्यूम कम कर दूं, और देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सी लगाना है बस, आपका वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कम समय लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं बताने में जितना टाइम लगेगा तो वही टाइम लगेगा बस। ठीक है, तो आपको सिंपली इस वीडियो बनाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन है, तो ग्रीन स्क्रीन क्या करना है दोस्तों कि आपको रिमूव करना है। ये दोस्तों मेरा वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने एक मुर्शिद राज भाई है उनके वीडियो से लिया है, तो मैंने अपना लोगो लगा दिया, उनका लोगो था, सॉरी मुर्शिद भाई आपसे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन मत लेना। ठीक, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर अपना फोटो लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं बता देता हूँ। पहले आपको जहाँ से ये मोबाइल निकाली है, जैसे आपको पहले ये करना है, पहले जूम कर लेना है, दोनों फिंगर से ऐसे बढ़ा लेना है, ऐसे बढ़ेगा। बढ़ने वाले तो आपको क्या करना है कि जहाँ से करेंगे स्लाइड करके, जहाँ से मोबाइल आपके पास आया है, ये सामने मोबाइल आएगा, वहाँ से आपको अपना फ़ोटो लगाना है। ठीक है, बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, तो आप जब दोनों फिंगर से आप ऐसे बड़ा कर देंगे, जूम कर देंगे, तो जूम हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप बड़े आसानी से ये कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पर आ गया। तो अब आपको क्या करना है कि लेयर में जाना होगा। लेयर में जाने के बाद तो आपको मीडियम जाना होगा। मीडियम जाने के बाद आप कोई सा भी फ़ोटो ले लेंगे, जैसे मैं कौन सा फ़ोटो लूँ, पिक्सआर्ट में से कोई सा भी फ़ोटो मैं ले लेता हूँ एक सा। ठीक है, तो यही मैं फ़ोटो लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ोटो ये लगता है, मेरा पहले का फ़ोटो एडिट किया हुआ है, तो मैंने वीडियो में दूसरा दिखाया था, मैंने फिर इसमें दूसरा दिखा दिया, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग लगे ना कि हाँ भाई ने कुछ गलत दिखाया। ठीक है, तो आपको सिंपली ऐसे कर लेना फ़ोटो को यहाँ पर। अब आपको फ़ोटो पर क्लिक करके, फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 3 डॉट दिख जाएगा। 3 डॉट पर क्लिक करके दोस्तों इसे सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है। तो इसमें बैक हो गया, तो आप सोच रहे होंगे इमेज कहाँ गया, लेकिन इमेज आपका आ जाएगा जब आप ग्रीन स्क्रीन के सामने ये आएगा, तो आ जाएगा। जब ग्रीन स्क्रीन सामने आएगा तो आपको सिंपली फिर एक सेटिंग करना है कि जो ये लेडीज वाला वीडियो है उस पर क्लिक करना है। देखते हैं यहाँ क्लिक होगा, क्लिक करने वास्तव आपको यहाँ पर क्रोमा की जो देखते हैं यहाँ पर आइकन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों क्रोमा की को अनेबल करना होगा। इनेबल करेंगे
तो आपको पहले ये कलर देखना है, यहाँ पर की कलर में ग्रीन की कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस कलर का मोबाइल में कलर है उसे कर सकते हैं क्रोमा की, तब अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको की कलर पे क्लिक करना, क्लिक करके यहाँ पे ग्रीन कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं ग्रीन कलर हो गया, अब देखते हैं ये हो चुका है, अब थोड़ा सा और हम इस पर कुछ काम कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कर लेते हैं काम अपना, हाँ ये हो गया, थोड़ा सा आप यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। करने के बाद तो आपको क्या करना है, अब देखते हैं यहाँ पर फोटो है तो आप इसे छोटा करके और राउंड ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, तो आपको सिंपली ऐसे कर लेना है, देख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ यहाँ तक, और आपको ध्यान रहे दोस्तों कि आपका फोटो कहाँ तक आ रहा है, जैसे इसमें कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये हुआ, अब आपको इस अपने वाले फोटो पर क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पर की का ऑप्शन मिलेगा, चाबी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके दोस्तों थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाएंगे, जैसे जहाँ जहाँ मोबाइल जा रहा है वहाँ पर फॉलो करना है बस। जैसे अभी मोबाइल ये मोबाइल बढ़ा भी को, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेगा तो आपको यहाँ से फ़ोटो को अपने बिना बढ़ाए घटाए ला देना है यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ तक आ गया, अब फिर से हम इसे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, देखते हैं फिर यहाँ बढ़ा तो फिर हम यहाँ ले लेते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ मोबाइल जाएगा उसे फॉलो करना चाहिए, थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा इसे राउंड अप कर देंगे, जैसे जैसे मोबाइल राउंड अप होगा वैसे वैसे आप यहाँ से राउंड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे थोड़ा सा और ऊपर गया है तो हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ये हुआ। अब जैसे थोड़ा सा और इधर हुआ, थोड़ा सा और उधर हम कर लेते हैं। तो आपको इसमें फुल ट्यूटोरियल मैं दे रहा हूँ दोस्तों, तो टाइम लगेगा तो सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं इसमें पूरा फुल ट्यूटोरियल दे दूंगा दोस्तों, क्योंकि आप सबको अच्छे से आप अपना वीडियो बना सकें, काफ़ी अच्छे खासे लाइक्स वगैरह पा सकें टिकटॉक वगैरह पे, जहाँ भी आप शेयर करें इसे, और जो भी देखें बोले भाई कैसे बनाया कैसे बनाया, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं बड़े आसानी से, देखते हैं ये हो चुका है लगभग लगभग, ठीक है, ये हो चुका है, देखते हैं मोबाइल हिल नहीं रहा है। और आपको याद रहे दोस्तों, आपको याद रहे कि इसे जो है दोनों फिंगर से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब आपका वीडियो बन के तैयार होगा, बस आपका वीडियो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, जितना बताने में टाइम लगा उससे कम ही टाइम में आपका वीडियो बड़े आसानी से बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं प्ले करके दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से वीडियो बना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले यहाँ पर मेरा पहले दूसरे फोटो था जैसे ग्रीन कलर का था, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना फोटो लगा दिया, देखते हैं, ठीक। तो आप इसी प्रकार से अपना वीडियो बना सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको अगर कोई भी परेशानी होता है या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप बड़े आसानी से कमेंट करके उसका सोल्यूशन सुझाव ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।